अब चुनाव बहुत करीब है, जो दल हम लाने की कोशिश कर रहे हैं बहुत जल्दी सब साफ हो जाएगा, कोशिश करेंगे इन सब दलों को साथ लाने का काम। जिंदा का स्टेटमेंट आपका जैसे ही आया तो सत्ता पक्ष ने घेरना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा नफरत की राजनीति करती है और वो इंतज़ार में रहती है कि उन्हें नफरत का क्या मुद्दा मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी आज बताए कि उन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि डीजल पेट्रोल कितना महंगा हो गया। भारतीय जनता पार्टी को दिखाई नहीं दे रहा है कि इटावा में शेर रह रहे हैं, वो लाइन सफारी नहीं खोल पा रहे, एनिमल सफारी नहीं खोल पा रहे। मुख्यमंत्री जी 6 तारीख को इटावा आ रहे हैं, कोई हमारा ही काम होगा उसका उद्घाटन कर देंगे। उनके पास कोई अपना काम नहीं इटावा। मैं तो इटावा वालों से कहूँगा कम से कम देख लेना मुख्यमंत्री जी से, और ये सवाल जरूर उनसे पूछना कि आपने इटावा के लिए क्या विशेष काम किया। यही PGI या ये जो सैफी यूनिवर्सिटी बनी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी का सब बजट काट लिया। यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा था वो नहीं अब बन पा रहा है। यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर बनने थे वो अभी तक नहीं बन पाए। यहाँ जो सड़कें बननी थी वो आधी अधूरी पड़ी हुई हैं। क्या चंबल का पुल नहीं बनना चाहिए नया? क्या वो सड़कें चौड़ी ना हो या चंबल यमुना के बीच में? जितनी समाजवादी सरकार में चौड़ी सड़क हुई है यमुना तक, उसके आगे भारतीय जनता पार्टी सड़क चौड़ी नहीं कर पाई। तो शायद हो सकता है जो सड़क चौड़ी नहीं हुई है उसको देखने आए मुख्यमंत्री जी। जो जर्जर पुल हो गया है चंबल का, हो सकता है उसका भी निरीक्षण करने आए। और जो शेर समाजवादी सरकार में यहाँ पैदा हुए हैं, हो सकता है शेरों से भी मिलने जाए। और मैं तो आपसे कहूँगा कम से कम अगर शेर से ना मिलें तो मुख्यमंत्री जी कम से कम भालुओं का हालचाल ले लें। भाजपा कई विधायक आपकी पार्टी में शामिल हुए, कल आपके एक विधायक BJP में गए। अब देखिए ये जो विधायक गए हैं उनका स्टेटमेंट सुनिए। उन्होंने कहा कि हमारे पिता की हत्या हुई, भाई की हत्या हुई और कानून व्यवस्था पर ही घेर लिया सरकार को। सोचो किस मजबूरी में गए ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक बात उन्होंने अच्छी कही कि सरकार को कानून व्यवस्था पर घेर लिया उन्होंने। समाजवादी पार्टी ने लगातार प्रयास किया है, कोशिश की है कि क्षेत्रीय दल और जो छोटे दल हैं उनको साथ लिया जाए, और उसमें कई दल समाजवादी पार्टी के साथ आए हैं। हाल में ही ओम प्रकाश राजभर जी ने एक ऐतिहासिक और बड़ा कार्यक्रम मऊ में कर करके पार्टी के साथ जुड़े हैं। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि जितने भी दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनको जोड़ा जाए। और स्वाभाविक है कि चाचा का भी एक दल है, उस दल को भी साथ लाने का काम करेंगे। पूरा सम्मान उनका होगा और ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान करने का काम समाजवादी लोग करेंगे, ये आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ। चाचा विलय की भी बात कर रहे हैं। विलय का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि चुनाव में हम जब जा रहे हैं तो कहीं गठबंधन जिस तरीके से हो रहा है, हमारा गठबंधन होगा, कोशिश करेंगे कि उन्हें भी साथ लिया जाए।